अब बात करेंगे सानह उर्दू बाजार के शहादाए पुलिस की याद में तकरीब। पुलिस अफसरान और शहादा के अहले खाना ने यादगार पर फूल चढ़ाए। उर्दू बाजार के ताजर भी शरीक हुए हैं। शमें रोशन की गईं जबकि पुलिस के दस्ते ने यादगार शहादा पर सलामी पेश की। मजीद तफसीला जानेंगे वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फयाज मलिक से। जी फयाज। बिल्कुल, मैं खड़ा हूँ इस वक्त इस बाजार की उस यादगार पर जहाँ 25 जनवरी 2011 को एक खुदकुश हमले में पुलिस के 3 जवानों ने अपनी जानों के नजराने पेश करके सैकड़ों अफराद की जानें जो थी वो बचाई थी। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एसएसपी ऑपरेशन लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फिरोज। तो हम उनसे पूछते हैं आज की तकरीब के हवाले से। कैप्टन साहब, बहुत अच्छा इकदाम है लाहौर पुलिस का जो वक्तन फवक्तन डेट बाई डेट अपने शहदा को याद कर रही है, आज के दिन के हवाले से ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसा आप किले में है कि 25 जनवरी 2011 को चेलम के मौके पे जब लाहौर पुलिस के अफसरान यहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे तो उस इवेंट को सैबोताज करने के लिए दहशतगर्दों ने हमला किया और इन हमारे 3 बहादुर जवानों ने अपनी जानें दे के सैकड़ों और हज़ारों लोगों की जानों को महफूज किया। तो उनकी इस अजीम कुर्बानी को याद रखने के लिए और उनके अहल खाना को ये एहसास दिलाने के लिए कि लाहौर पुलिस पूरी तरह से उनको अपनी फैमिली का हिस्सा समझती है और उनकी उस कुर्बानी को ड्यू रिकग्निशन देती है, इस इवेंट को हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। इसमें हमारे सैयद करार शाह साहब एसपी हेडक्वार्टर्स एसपी सिटी और बाकी जो हमारे ताजर भाई हैं इन्होंने भी भरपूर इस इवेंट को भरपूर तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। और इंशाल्लाह ताला जैसे आपने कहा शहीद की कुर्बानी का बदला किसी भी तरीके से दिया जा नहीं सकता, लेकिन उनकी कुर्बानियों को याद करके और उनके फैमिली मेम्बर्स को ये एहसास दिला के कि हम उनके साथ हैं और हम उनकी कुर्बानी को और उस जज्बे को सलाम पेश करते हैं, हम अपने जिंदा को होने का सबूत दे सकते हैं। अच्छा मुस्तनसर, सानिया जीपीओ चौक के बाद आज हम खड़े हैं सानिया उर्दू बाज़ार, तो इसके बाद भी जो उस वक्त की दहशतगर्दी की जंग में लाहौर पुलिस के जवानों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए थे, क्या उनकी यादगारों पर भी ऐसे ही डेट बाई डेट जो है तारीख बाई तारीख तकारीब का जो है इनकार किया जाएगा? जी बिल्कुल किया जाएगा। आप किले में है कि 1350 से ज़ायद पंजाब पुलिस के टोटल एहलकार हैं जिन्होंने अपनी जानें मुख्तलिफ मौक़ों पर आवाम की ज़िंदगियों को महफूज रखते हुए कुर्बान की हैं। 4 अगस्त हर साल जो है वो यौम यादगार शहदाए पुलिस के तौर पर मनाया जाता है। इसके अलावा भी जो जो इवेंट्स जैसे आपने कहा कि जिस जगह पर भी हमारे एहलकारों ने अपनी जानें दी हैं उनकी कुर्बानियों को इंडिविजुअली खराज तहसीन पेश करने के लिए हम ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ करेंगे। और ना सिर्फ ये बल्कि शहदा की फैमिलीज़ को हम पूरी तरह ओन करते हैं और अपनी फैमिलीज़ की तरह उनका ख्याल करते हैं और उनके जो पर्सनल इवेंट्स हैं या उनके जो खुशी गमी के मौके हैं उसमें भी इंशाल्लाह ताला लाहौर और पंजाब पुलिस बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। और लाहौर पुलिस जो है वो अपने शहदा के जो अहले खाना हैं उनके जो है खुशी और गमी की जो तकारीब हैं उनमें भी भरपूर अंदाज में शिरकत कर रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अंजमन ताजरान लाहौर पाकिस्तान खालिद परवेज़ जिन्होंने इस तमाम इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया। खालिद साहब, क्या कहेंगे लाहौर के शहदा के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा सानिया और इतना बड़ा सानिया होना था जिसको अपनी जानों का नजराना देकर इन्होंने कुर्बानियाँ अपनी देकर और लोगों की जानें बचाईं, मैं समझता हूँ लायक तहसीन है, इनकी याद में होना चाहिए। और ये एक रिश्ते की माने हमने ये जो इकदाम किया है कि पुलिस और हमारे दरमियान एक गहरा रिश्ता। यकीनन पुलिस और ताजरों में तकरीब सजाई गई है, शमें रोशन की गई हैं जबकि अहले खाना की बड़ी तादाद भी यहाँ पे मौजूद है। और फैयाज मलिक हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।